तो दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं जीएलए में और हूँ उस समय अपने हॉस्टल के रूम में। और आज आपको बताऊँ अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस और क्या क्या चीज़ आपको लेके आनी चाहिए और क्या क्या आपको नहीं लानी चाहिए, यहाँ पे किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जब मैं यहाँ आया तो मेरे को एंट्री कैसे मिली, यहाँ तक कैसे आया, क्या क्या चीज़ यहाँ पर मुझे प्रोवाइड हुई और क्या क्या नहीं हुई, उन सब चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं आपको। उससे पहले अपने एक दोस्त से मिलवा दूँ जो यहाँ पर लेटा हुआ है, गंदा सा लड़का। ये मेरा रूममेट और ये रहता है मेरे साथ में ही, और आपको तो पता ही होगा ये मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग है। इससे पहले मैं सिर्फ टेक के ब्लॉग्स ही बनाता था। उससे पहले यार वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप हमारा रूम देख लो जो हमने समय तो फिलहाल साफ सुथरा और सजा के रखा हुआ है, आगे पता नहीं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले यार शुरू करते हैं गद्दे वगैरह से। तो गद्दे वगैरह यार यहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगी। चलो बिल्कुल शुरू से बिगनिंग करते हैं। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे, अगर आप हॉस्टल के लिए आ रहे हो तो गेट नंबर 2 से आना, क्योंकि हॉस्टल वालों के लिए जो एंट्री है वो गेट नंबर 2 से है। और आप पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम विजिट के लिए आ रहे हो या फिर वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हो तो फर्स्ट गेट से ही आना। दूसरा, जब आप अंदर आओगे, आपका एक कार से आ रहे हो तो एक गेट पास बनेगा, तो पहले गेट पास बनवा लेना, उसके बाद सीधे आप अपनी गाड़ी जो है हॉस्टल पर ला सकते हो, नहीं तो भाई पैदल तो तुम आ ही सकते हो। जब तुम हॉस्टल में आ जाओगे तो तुम्हारे पास होगा एक एक्नॉलेजमेंट, अगर तुमने सब कुछ जमा कर दिया है, तुम्हारे सारे ड्यूज क्लियर हैं, तुम फिजिकल वेरिफिकेशन करवा चुके हो, तो एक एक्नॉलेजमेंट नाम की चीज़ तुम्हें मिली हुई होगी, वो लेके आनी है और यहाँ पे हमारे वार्डन भैया को दिखाना है। उन्हें दिखाओगे तो वो तुम्हारा फिंगरप्रिंट वगैरह लॉक करवाएंगे, तुम्हें रूम की की देंगे। और दोस्तों अगर आप यार अपने साथ थोड़ा ज़्यादा सामान कैरी करते हो तो यार दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे एक भैया हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे। साथ में आपको यार एक बल्ब दिया जाएगा, वो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आके लगाएगा जब आप आओ। तो सबसे स्पेशल चीज़ यार जो हमारे रूम में कमी मिली थी वो ये जो ऊपर वाला है, ये सर्किट काम नहीं कर रहा था हम में से तीनों का किसी का भी। तो इस वाले सर्किट को, नीचे वाले को, दोनों को अच्छे से चेक कर लेना और हर चीज़ तभी एक्सेप्ट करना जब वो ठीक से काम कर रही हो। और यहाँ पे है यार ये हमारी एलमीरा, तो एलमीरा में यार आप देख लो इतना बड़ा यार यहाँ पे कुंदा दिया हुआ है, तो इसमें आप चाहो तो ताला लगा सकते हो, आप अपने साथ लेके आ सकते हो एक ताला। और यार एक गेट पे लगाने के लिए ताला तो यार ज़रूर लेके आना, इसका भी मैं आपको कुंदा दिखा देता हूँ, इतना बड़ा है। फिलहाल हमने ये ताला डाल रखा है, आप अपने साथ अपने हिसाब का ताला ला सकते हो। अगर आपको यार अंदर से अलमीरा देखनी है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे मुझसे अलमीरा के बारे में। तो एक मिनट दोस्तों, ये है अलमीरा जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप इसे अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। और बात कर लेते यार क्या क्या चीज़ आपको कैरी करके लानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यार जिस चीज़ की मेरे को दिक्कत हो रही है वो है यार पेपर सोप। मैं साबुन तो लेके आया हूँ और बकेट भी लेके आया हूँ, बकेट आपको अपनी लेके आनी है, मतलब माल्टी बग्गा और वही शैम्पूदानी जो भी आप लोग बोलो, साबुनदानी। और साथ में यार आप पेपर सोप लेके आओ, क्योंकि जब आप बार बार वॉशरूम जाओगे तो आप साबुन कैरी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पॉकेट में यार अगर आपके वो है पेपर सोप तो आप उससे आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने कुछ भी लिक्विड वगैरह प्रोवाइड नहीं करा है। अगर आप चाहो तो यार वो डेटॉल का जो लिक्विड वाला आता है वो ले आओ तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि वहाँ रखो और वो गंदा भी नहीं होगा, हर बार एक फ्रेश लिक्विड मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने साथ कैरी करो। डस्टबिन जो है वो आपको यहीं पर यार मिल जाएगा। जिम है और कॉमन रूम है जिसमें आपको टीवी और टेबल टेनिस दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। और पीछे जो यार ये शोर आ रहा है तो वहाँ पे कारपेंटर भैया काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हॉस्टल है हमारे फर्स्ट ईयर के उसका जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी टाइल्स वगैरह यार यहाँ पे लग चुकी हैं। जो वाईफाई है यार वो ओपन हो चुका है, मीन्स अब आपको यार अपना ब्रॉडबैंड मीन्स वो जो खरीदते थे हम राउटर वो खरीदने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ही आप लोगों का काम हो जाएगा। बाकी यार यहाँ पे दो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वही चार्जिंग के, एक लैपटॉप का लगा लो यार और एक मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लो। गद्दे, तकिया और मैट्रेस ये सब चीज़ आपको लेके आनी है। अगर आप नहीं लेके आते हो तो यार यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन पर ए टू जेड हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो की रिंग हो, चाहे वो ताला हो, चाहे आपका गद्दा हो। गद्दे की रेट है यार 500 और 650, तकिए के मुझे पता नहीं इसलिए मैंने पूछे नहीं थे। बकेट और ये बाल्टी वगैरह सब चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और शैम्पू, तेल वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उस कैंटीन में अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है यार जीएलए में जो रैगिंग वगैरह है वो सब बैन है, तो इसी चक्कर में हम यार यहाँ से बाहर जाने के लिए रोका जा रहा है ताकि हमारी सेफ्टी रहे। और हम कहीं बाहर इधर उधर जाना भी चाहते हैं तो उस चीज़ की पूरी फैसिलिटी है आपको यहीं पर, आपके हॉस्टल में हर चीज़ मिल जाएगी, बन आपके साथ कोई ना कोई यार यहाँ से बाहर जाएगा।
यहीं पे सामने हमारी मेस है। अगर मैं बाहर दिखाऊं आपको तो यार यहाँ से मैं शायद कुछ दिखा नहीं पाऊंगा फिलहाल, लेकिन जब नीचे जाऊंगा तो पक्का दिखा दूंगा। और आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनसे भी मैं आप लोगों को ज़रूर मिल पाऊंगा। और अगर यार आपको कोई और चीज़ जाननी हो कि क्या चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे माइंड में जितनी आई थी वो मैंने बता दी है। रजिस्टर पेन वगैरह यार आप लोग कैरी कर सकते हो, हम लोग लेके आए थे यार कम से कम 6-7 रजिस्टर लेके आना, हाफ सेमेस्टर आपका उसमें निबट जाएगा। और जितनी आपकी काम की बुक्स हैं, बुक्स जो हैं आपको यहाँ पे लाइब्रेरी से ही मिलेंगी, तो आपको खुद कैरी करके नहीं लानी है। अगर आप 11th 12th की जो अच्छी आपको बुक्स लगती हैं, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है तो आप उसको अपने साथ कैरी जरूर करके लेके आना, क्योंकि यार मैं सुल्तान चंद से पढ़ा था तो मैं सुल्तान चंद और मेरे जो 11th 12th के रजिस्टर्स थे वो मैं लेके आया हूँ। अगर आपके पास नोट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तो वो भी यार अपने साथ जरूर कैरी करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स जो हैं जो जिनके कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, उन सब वो सब यही बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन नोट्स की, क्योंकि वही सब कुछ हम मोस्टली पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो या फिजिक्स में हो हमारी बेब ऑप्टिक्स। तो यार आज के ब्लॉग को इतना ही यहाँ पे छोड़ देते हैं, और थोड़ा बहुत मैं आपको बीच में रास्ते में शुरू से दिखा दिया था मैंने क्या क्या कैसे कैसे हमारा सफ़र हुआ था। चंदौसी से हूँ यार मैं, मेरे को यहाँ तक आने में 3.5-4 घंटे लग जाते हैं, और सुबह सुबह हो रही थी यार यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा। चंदौसी में यहाँ पे आए थे पहले, बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे, वहाँ पे भी जब हम निकल रहे थे तो बारिश हुई थी यार बहुत तेज़, और जब तक मथुरा में एंटर हुए मीन्स इधर की साइड आए उतने में यार बारिश हो गई बंद। अब या तो ये नहीं पता कि उधर साइड हो रही थी इधर नहीं हो रही थी, हमें तो ऐसे ही लगा था क्योंकि बीच पॉइंट एक ऐसा आया था जहाँ पे बारिश बंद हो गई और उससे पहले बारिश हो रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट हमें देखने को लगा था। वैसे ये चीज़ मैं एक ही शहर में कई बार मैं देख चुका हूँ चंदौसी में भी, कि हमारे एक एरिया में बारिश हो रही है और दूसरे में नहीं हो रही है। अगर अब भी आपका कोई डाउट और कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो, हॉस्टल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, ओरिएंटेशन है 8 तारीख को, 8 वाला यार तुम्हें अटेंड करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बाद वाला है डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन है जिसकी डेट तुम्हारे पास आ गई होगी, उसे अटेंड करना यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमारे बैच वगैरह सब कुछ डिवाइड होने वाले हैं, तो वो यार ज़रूर अटेंड करना। अगर इसे मिस करना चाहते हो कर दो, कोई इशू नहीं है। और बाकी यार कुछ है ही नहीं, बाकी तुम लोग समझदार हो। क्लासेस वगैरह आपके पास वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका होगा, उसे संभाल के रखना, क्योंकि वही आपको यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करने में मदद करेगा। और दूसरा आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया होगा तो उसे भी कैरी करके अपने साथ रखना, और चाहो तो अभी ही लॉगिन कर लो। चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ और कुछ इन जैसे लोगों के साथ जो हमारे साथ हमेशा घूमते रहेंगे। चैनल बंद हो जाएगा ये, देखो देख रहे हो अभी शुरू हुआ नहीं था, ये चैनल बंद करा रहा है। चलो बाय।